मैट्रिमोनियल साइट्स पर युवक ने जिस लड़की को शादी के लिए पसंद किया उसने ही युवक को लगाया 10 लाख रुपए का चूना। युवक के भाई ने इंदौर क्राइम ब्रांच को की शिकायत। दरअसल रायपुर के रहने वाले शख्स मुकेश ने मैट्रिमोनियल साइट्स पर शादी के लिए अपना अकाउंट बनाया था। वहां उसका अस्मिता नामक युवती से उसका संपर्क हुआ। युवती ने खुद को विदेश में रहना बताया और इस दौरान दोनों के बीच शादी की बात भी होने की जानकारी पुलिस को बताई गई। लेकिन इस दौरान युवती ने युवक को विदेश से कुछ उपहार भेजने की बात कही, लेकिन इसके बाद युवक युवती द्वारा तैयार किए जा रहे चक्रव्यूह में फंसता चला गया। सुरेश के पास कई बार विदेश से खुद को सरकारी अधिकारी बताकर और फिर कभी खुद को कई लोगों ने फोन किया और कहा कि आपका उपहार काफी महंगा है, इसे भेजने के लिए आपकी राशि अदा करना होगा। ऐसा करते हुए युवक से अब तक 9.5 लाख रुपए लिए जा चुके हैं। बहरहाल कुछ समय बाद तक भी अस्मिता नामक युवती पैसों की मांग करती रही, लेकिन युवक और उसके परिजनों को जब समझ आया कि वह ठगी के शिकार हो गए हैं तो उन्होंने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस के मुताबिक यह एक बड़ी गैंग है जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रही है। बहरहाल पुलिस भी फिलहाल मामले में जांच कर रही है। कोई लड़की ने फ्रॉड करा है नेट के ऊपर, शादी का झांसा देकर 9 लाख रुपए लूट के ले गई। ये मैट्रिमोनियल साइट पर एक व्यक्ति मुकेश के द्वारा, जो कि रायपुर निवासी है, उसका भाई यहाँ रहता है इंदौर में, उसके द्वारा अप्लाई किया गया था मैट्रिमोनियल साइट पर मैरिज के लिए। तो वहाँ पर उसके पास फिर कॉल आया और एक लड़की ने उसके साथ मित्रता की। मित्रता करने के बाद लड़की ने ये बोला कि चूँकि वो विदेश में रहती है यूके में, तो उसके द्वारा बोला गया कि मैं कुछ आपके लिए गिफ्ट भेज रही हूँ, आईफोन भेज रही हूँ और आपका लैपटॉप भेज रही हूँ और कुछ पाउंड्स भेज रही हूँ। तो वो लड़का उसका गिफ्ट का वेट कर रहा था, तो फिर कुरियर वाले का फोन आता है कि भाई कि जो आपको आपका पार्सल आ गया है, आपको कुछ पैसे जमा कराने पड़ेंगे। तो ऐसे करके 1 लाख लिए शुरू में, फिर 2 लाख लिए, फिर उसका बोला पाउंड ज़्यादा हैं और पाउंड को डेवलप पाउंड की चूँकि वो फॉरेन करेंसी है, तो उसको वो करने के लिए उसके हमें कुछ जो मनी है उसको हमें जमा करना पड़ेगा, अच्छा 5 लाख और दें। तो इस तरीके से लगभग 9.5 लाख रुपये का उसको चूना लगा दिया। बाद में फिर वो मोबाइल जब बंद हो गए तो उसको पता चला कि वो फ्रॉड का शिकार हो गया, कोई गिफ्ट नहीं आया और ये पूरा गैंग ऑर्गेनाइज गैंग है। तो इस पर भी इंक्वायरी चल रही है, क्राइम ब्रांच में इसमें शिकायत दर्ज कराई गई है और इसमें इंक्वायरी चल रही है, जल्दी इसमें बड़ा एक्शन होगा। शादी का झांसा दिया था? हाँ, शादी के लिए ही तो उन्होंने गिफ्ट भेजा था, शादी के लिए ही बोला था। वो लड़की उसकी मित्र बनी और शादी का बोला था कि शादी करेंगे, मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजना चाह रही हूँ, तो इसीलिए वो उस पर शादी के झांसे में आकर वो इस ठगी का शिकार हो गया है। इसमें जल्दी बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।